अगली फैमिली है लोफोपिडेई, ठीक है। इसमें इंसेक्ट आता है शुगर केन लीफापर, ये गन्ने में लगता है, जिसको पायरीला कहते हैं, पायरीला परक्यूसिला। इसके मेन करेक्टर हैं, इस कीट का सिर जो है हाइपोगाइंथस अर्थात अधोमुखी पाया जाता है। सिर एक लंबी स्नाउट, स्नाउट मीन्स होता है नाक या चोंच के रूप में परिवर्तित रहता है तथा आगे की ओर निकला रहता है, ठीक है। ओसली दो तथा कभी कभी तीन होती हैं, जो कि कंपाउंड आई के सामने होती हैं। पंख झिल्लीदार तथा मुड़े हुए होते हैं, जिससे उदर का कुछ भाग ये जो है ढके रहते हैं। टार्साई तीन खंडीय होती हैं, एंटनी तीन खंडीय तथा आँखें आँखों के नीचे स्थित होती हैं। ये कीट सफेद या भूरे मोम, सफेद या भूरे मोम निकालते हैं, जो कि धागे के रूप में उदर के पीछे पूंछ की तरह लगा रहता है, ठीक है। अब अगली फैमिली है लैसी फेरी डेई, इसमें लाख इंसेक्ट आता है, ठीक है, जिससे लाख बनता है। साइंटिफिक नेम है लैसी फर लाका। लाख जो है मुख्य रूप से जो विश्व में जो गर्म देश है वहाँ पर मुख्य रूप से लाख का उत्पादन होता है। जैसे हमारा भारत है, श्रीलंका है, बर्मा है, चीन है, पूर्वी द्वीप समूह में ये कीट मुख्य रूप से पाया जाता है। ये सूक्ष्म एवं लाख द्वारा ढकी टहनियों पर ये कीट चिपके रहते हैं। एंटनी छोटी होती हैं और 3 से 4 खंडी होती हैं। लेग्स छोटे होते हैं। उदर में जो है किसी प्रकार के कोई श्वसन छिद्र नहीं पाए जाते हैं, अर्थात थोरक्स में होते हैं लेकिन उदर में श्वसन छिद्र नहीं होते हैं। नर दो प्रकार के होते हैं, मेल और सॉरी मेल जो है पंख दो प्रकार के, पंखधारी और पंखहीन, ठीक है। रोस्ट्रम दो खंडी होता है। रोस्ट्रम मीन्स जो होता है जो लैबियम होता है चोंच के रूप में परिवर्तित रहता है, जिसको रोस्ट्रम कहते हैं। मादा कीट जो है ये अर्ध गोलाकार, जिसके पीछे जो है ये तीन प्रवर्धन जैसी संरचनाएं होती हैं। अगला फैमिली है डेल्फा साई डेई, ठीक है। इसमें जो है प्लांट हॉपर ये जो है धान में लगता है, नाइला फॉर्वेटा ल्यूंस आता है। अगला आर्डर सब आर्डर है आपका, ये हुए सब आर्डर होमोप्टेरा की फैमिली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एपिडेई, ठीक है, एल्यूरोडिडेई, कॉक्सीडिडेई, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सब आर्डर अगला है हिटरोप्टेरा। हिटरोप्टेरा दो शब्दों से मिलकर बना है, हिटरो और प्लस पेट्रा। हिटरो मीन्स डिफरेंट और पेट्रांस मीन्स होता है विंग, अर्थात दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं, लेकिन जो एक दूसरे दोनों जोड़ी एक दूसरे से अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। इसका पहला करैक्टर है जो है दो पेयर विंग पाए जाते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पिछले अगली जोड़ी पंखों का कुछ भाग मोटा एवं ऊपरी सिरा झिल्लीदार होता है, इसलिए अगली जोड़ी पंखों को हेमी लाइट्रा कहते हैं, ठीक है। अगली जोड़ी पंखों का कुछ भाग मोटा, ठीक है, और उनका ऊपरी सिरा जो है झिल्लीदार होता है, इसलिए अगली जोड़ी पंखों को हेमी लाइट्रा कहते हैं, जबकि पिछली जोड़ी जो पंख जो होते हैं ये झिल्लीदार होते हैं।
इसमें सिंपल मेटामॉर्फोसिस होती है, उधर 10 खंडों का बना होता है, टारसाई 3 खंडीय, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, सिर जो है हाइपोगाइंथस और ओपिस्थोगाइंथस अधोन्मुखी और पश्चोन्मुखी होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 फैमिली है, एक है कोरिडेई जिसमें राइस ग्रंथि भाग या पैडी ग्रंथि भाग लगता है, दूसरा है पेंटाटोमिडेई, पेंटेट बग ऑफ मस्टर्ड, और फाइरोकोरिडेई रेड कॉटन बग, ये कपास में लगता है। पहली है कोरिडेई राइस ग्रंथि बग, ये कीट सूक्ष्म से बड़े आकार के होते हैं, दो कम संयुक्त नियुक्त होते हैं और दो ओसली या उपनेत्र, शरीर अधिक लंबा, मुड़ी हुई 4 खंडीय एंटनी पाई जाती हैं, टार्सस 3 खंडी होता है। इस कीट की ये विशेषता होती है इसके मेटाथोरेक्स पर, ठीक है, जैसा कि कीट का शरीर 3 भागों में हेड थोरेक्स और एब्डामेन में बटा होता है, जो थोरेक्स होता है 3 भागों में, प्रो मीजो और मेटा, ठीक है। मेटा थोरेक्स में एक जोड़ी ग्रंथियां होती हैं जिसके कारण जो है गंध आती है, इसलिए इसको राइस गंधी बग कहते हैं, ठीक है। अगली फैमिली है पेंटाटोमी डेई, ये पेंटेट बग आप मस्टर्ड में लगता है, ये जो है आप देखते होंगे खलिहान में ये विशेषकर दिखाई देता है, लेकिन ये जैसे ही क्रॉप बोई जाती है तो ये जैसे पत्तियां निकलती हैं तो ये दिखाई देने लगता है, ठीक है। ये कीट सूक्ष्म से लेकर बड़े आकार के होते हैं, सिर छोटा और त्रिभुजाकार होता है, एक जोड़ी कंपाउंड आई और दो ओसली, इनका रोस्ट्रम जो होता है अर्थात लेबियम 4 खंडी जो चूंच के रूप में रूपांतरित होता है, टारसाई 2 या 3 खंडी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल है पेंटेट बगा मस्टर, बगराजा, क्रूसी फेरम, ठीक है। अगला लास्ट फैमिली है फाइरोकोरिडेई, ये रेड कॉटन बग जो कपास में लगता है, ठीक है। ये कीट मध्यम से बड़े आकार वाले, एंटनी छोटी होती हैं तथा 4 खंडीय, कंपाउंड आई बड़ी, तथा इन इन कीटों में ओसली या उपनेत्र जो है अनुपस्थित होते हैं, रोस्ट्रम 4 खंडीय लैबियम होता है, जो लेग्स होती हैं ये गोल आकार होती हैं और टार्सस 4 खंडीय होता है। इस तरह से ये आपका आर्डर हेमिप्टेरा समाप्त हो गया, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला होगा आर्डर हाइमनोप्टेरा।